So there we go, classroom scene or school scene and they face to face each other, Toplo and Frank, a boy of 16. Now the conversation begins. Frank sees Toplo waiting, sees Toplo waiting, waiting means waiting, waiting. प्रतीक्षा कर रहा है नहीं यहां पर होगा टॉपलो वेटिंग फ्रैंक क्या कहता फ्रैंक डू आई नो यू क्या मैं तुम्हें जानता हूं टॉपलो घबराते हुए नो no, सर आप नहीं जानते मुझे फ्रैंक द यंग एनर्जेटिक टीचर व्हाट्स योर नेम क्या नाम है तुम्हारा टॉपलो स्टूडेंट रिप्लाई टॉपलो फ्रेंक टॉपलो नो आई डोंट मैं जानता। you are not a scientist, gather. नहीं जानता जो न साइंटिस्ट हैदर तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो मुझे लगता है टू गैदर मतलब इकट्ठा करना और टू गैदर मतलब महसूस होना अंदाज लगाना आई गैदर दैट आई एल बी लेट बाई टू आवर्स मैं अंदाज लगा रहा हूं कि मुझे नागपुर पहुंचने में दो घंटा विलंब होगा आई गैदर दैट आई विल नॉट डू वेल इन द एग्जाम मैं अंदाज लगा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं परीक्षा में पास नहीं होऊंगा। टू गैदर और टू गैदर मतलब इकट्ठे होना एक होता है टू गैदर उसकी स्पेलिंग देखिए टू गैदर एक वर्ड है। और टू गैदर गैदर ऑल योर फ्रेंड्स ऑन द फुटबॉल ग्राउंड अपने सारे दोस्तों को फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा तो करो गैदर ऑल योर फ्रेंड ऑन द फुटबॉल ग्राउंड गैदर ऑल दिस वेस्ट ये जो कचरा है सबको इकट्ठा करो गैदर ऑल दिस वेस्ट सो गैदर यू हैव अंडरस्टूड सो ही बट यहां पर गैदर का था अंदाज लगाना मुझे लगता है तुम साइंस के विद्यार्थी नहीं हो साइंटिस्ट उसको इस ढंग से कहता है वो ये नहीं कहता कि तुम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं वो कहता तुम शायद वैज्ञानिक नहीं हो ना बोलने का तरीका एक टीचर बच्चे को बोल रहा है तुम शायद वैज्ञानिक नहीं हो ना मतलब तुम साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हो तो टैपलो क्या कहता है नो सर आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ मैं अभी भी एक कक्षा पीछे हूँ आई कॉन्ट स्पेशल नेक्स्ट टर्म मैं अगले टर्म तक मैं विज्ञान का छात्र नहीं बन टू स्पेशलाइज मतलब, मतलब विशेषज्ञता हासिल करना या टू स्पेशलाइज मतलब किसी विशेष फील्ड में जाना तो मैं साइंस फील्ड में अगले टर्म तक नहीं जा सकता सर दैट इज टू से इफ आई हैव रिमूव ऑल राइट मतलब सर दैट इज टू से मतलब होता है हिंदी में मतलब का अर्थ होता है मतलब मतलब सर मेरे मायने यह है right. uh, तो जाऊंगा आगे और रिमूव मतलब क्या था पास दैट इज टू सेफ आई गॉट माई रिमूव ऑल राइट यदि मेरा रिमूव ठीक ठाक रहा तो अर्थात मेरा यदि रिजल्ट ठीक ठाक रहा तो अर्थात यदि मैं पास हो गया तो तब मैं अगले टर्म में जाऊंगा फ्रैंक डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव अरे क्या तुमको नहीं मालूम कि आ, तुम्हें रिमूव मिला है कि नहीं मिला है तुम्हें नहीं मालूम टापलो नो सर आई डोंट नो मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजन टेलर्स द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स बाकी टीचरों की तरह मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिजल्ट नहीं बताते लाइक द अदर टीचर ही टेल अस द रिजल्ट क्या मतलब है इसका अच्छा बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू दैट

दूसरे लोग रिजल्ट बताते हैं ऐसा वो नहीं बताते टैपलो की बात पर तुरंत फ्रैंक पूछते हैं व्हाई नॉट क्यों नहीं बताते व्हाई नॉट मतलब क्या बात है कहना क्या चाहते हो? व्हाई नॉट क्यों नहीं बताते दूसरे टीचरों की जगह रिजल्ट नहीं बताते मतलब तो टैपलो कहता है वेल यू नो वॉट इज लाइक सर टापलो तुरंत कहता है सर आपको पता है कि वो कैसे हैं वॉट ही इज लाइक लाइक का अर्थ यहां क्या है पसंद होना एक मीनिंग होता है पसंद होना लेकिन यहां क्या मीनिंग है मिलान होना तरह का होना किस तरह का है वो सर आपको पता है ये किस तरह के आदमी हैं? यू नो वॉट ही इज लाइक सर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं तपलो कहता है स्वयं so डायरेक्टली नहीं बोल रहा फ्रैंक ने जब पूछा क्यों दूसरे टीचर जैसा वो क्यों दूसरे टीचर जैसा क्यों नहीं है तो टॉपलो फिर इशारे में बोल देता सर आपको पता तो है ना कि वो कैसे हैं ही इज नॉट लाइक यू जैसे आपके जैसे नहीं है वो दूसरे टीचरों जैसे नहीं है ना सर आप तो जानते हैं फ्रैंक आगे कहता है आई बिलीव देर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस बाय द हेड मास्टर एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म फ्रैंक समझ गया कि क्या कहना चाह रहा है टॉपलो टॉपलो कहना चाह रहा है कि आ, बाकी लोग पहले रिजल्ट दे देते हैं एक दो दिन पहले लेकिन ये आखिरी दिन ही देते हैं ऐसा वो इशारों में कहना चाह रहा था तो फ्रैंक ने कहा कि मैं सोचता हूं कि यह नियम है दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंसड कि जो अंतिम रिजल्ट है वो हमेशा हेडमास्टर के द्वारा ही अनाउंस होता है और वो भी आखिरी दिन ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म इट विल बी अनाउंस बाय द हेड मास्टर ऐसा कहके फ्रैंक चुप हो जाता है तो टैपलो फिर जवाब देता है। यस 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 बट सर हु पे द अटेंशन टू इट हु मतलब और कौन? हु मतलब कौन? एल्स मने और यहां पर एल्स का क्या मीनिंग है और, और दूसरा एल्स का मीनिंग है आई विल कम एल्स यू कम मैं आऊंगा या तुम आओ यू विल गिव मी फूड एल्स आई विल नॉट कम यदि तुम भोजन नहीं दोगे तो मैं नहीं आऊंगा देखिए एल्स का उपयोग ई e एल -E, बहुत काम का शब्द है टेक बात एल्स यू विल बी कॉल्ड अनहेल्थी नहाओ रोज अन्यथा तुम्हें अनहेल्थी व्यक्ति कहा जाएगा रन प्रॉपरली एल्स यू विल फॉल ठीक से दौड़ो नहीं तो तुम गिर जाओगे अन्यथा तुम गिर जाओगे तो यहां एल्स का मतलब हो गया अन्यथा पर इस सेंटेंस में एल्स का मीनिंग क्या है सर सर टापलो कहता है आखिरी दिन में रिजल्ट अनाउंस होने का नियम तो है हेड मास्टर के द्वारा लेकिन हु एल्स पेज अटेंशन टू इट टू पे अटेंशन मतलब ध्यान देना

और कौन इस बात पे ध्यान देता है कि आखिरी दिन रिजल्ट निकलना है और वो भी केवल हेडमास्टर अनाउंस करेंगे बाकी सब लोग तो अनाउंस कर दिए केवल उन्होंने नहीं किया है फ्रैंक कहते आई डोंट मैं भी नहीं करता भाई आखिरी दिन अनाउंस मैं मानता हूं टू एडमिट मतलब स्वीकार करना मतलब हाँ तुम सही बोल रहे टॉप लो मैं भी नहीं करता आखिरी दिन मैं भी पहले दे देता हूं मैं स्वीकार करता हूं बट क्राइटेरिया no लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है ऐसा कह के तुम ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छा है कोई बुरा है क्राइटेरिया मतलब कोई आ, कोई सा आ, आधार तुम्हारे प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है तुम्हारे प्रमोशन का आधार क्या है सो आई डोंट आई एडमिट बट नो क्राइटेरिया अब यहां देखिए क्राइटेरियन लिखा है C R I T E R I O N, क्राइटेरियन इज एक वचन और क्राइटेरिया मतलब बहुवचन याद रखेंगे बहुत से जब आधार हों तो क्राइटेरिया और एक आधार तो क्राइटेरियन What इज द क्राइटेरियन फॉर योर selection? सो यू हैव got टू वेट अंटिल tomorrow. नो योर फेट हैव यू यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमोरो तो इसलिए तुमको कल तक प्रशिक्षित रास्ता देखना पड़ा तुम्हारा भविष्य जानने के लिए सही बोल रहा हूं ना फेट मतलब भविष्य भाग्य फेट यानी भाग्य अपना भाग्य जानने के लिए तुम्हें अगले दिन तक का रास्ता देखना पड़ा यही हुआ ना टॉपलो कहते हाँ सर यस सर फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल गॉड देन फेवरेबल मतलब पक्ष में हो तो टॉपलो के लिए क्या पक्ष में होना फेवरेबल कहलाएगा टू गेट रिमूव रिमूव मिल जाना उसके लिए पक्ष में कहलाएगा तो फ्रैंक पूछते सपोजिंग टू सपोज मतलब कल्पना करो मान लो मान लो कि द आंसर इज फेवरेबल आंसर किस क्वेश्चन का कि तुम्हारा रिम, तुम्हारा विल यू गेट रिमूव और नॉट तुम पास होगे कि नहीं सपोज उत्तर रहा फेवरेबल हाँ पास हो गए वॉट देन आगे फिर क्या होगा क्या करोगे देन मतलब तब यहां पर देन टी एच एन देन मतलब तब आई विल कम देन यू विल ईट जब मैं आऊंगा तब तुम खाओगे तो तब सो so, सपोजिंग कल्पना करो मान लो सपोजिंग ट्रेन गेट्स लेट देन व्हाट विल आई डू कल्पना करो यदि ट्रेन लेट हो गई तो मैं क्या करूंगा तो so, सपोजिंग मतलब मान लो कल्पना करो आंसर इज फेवरेबल फेवरेबल मतलब पक्ष में हो वॉट देन फिर क्या होगा लो ओह साइंस सर कोर्स बड़े घमंड से कहता है छाती फैला कर अरे सर तब तो मैं साइंस लूंगा सर कोर्स मतलब अरे इसमें कोई दो मत नहीं कोर्स मतलब यहां कोई दो मत नहीं निश्चित ही तब तो सर निश्चित ही मैं साइंस लूंगा Frank, सैडली देखिए सैडली जो लिखा हुआ है वो एक अलग स्टाइल में लिखा है उस स्टाइल को कहते हैं इटैलिक्स इटैलिक्स में लिखा हुआ है थोड़े से अक्षर फ्लैंटेड होते हैं और वो मुख्य प्ले का हिस्सा नहीं है लेकिन उस प्ले से जुड़ी हुई एक बात है बात क्या है सैडली दुख के साथ फ्रैंक क्या कहता है यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स स्लैकर मतलब ढीले ढाले लोग पिछ पिछड़े लोग हा हा हमको तो सब ऐसे ही लोग आते हैं ढीले ढाले पिछड़े लोग स्लैकर वी गेट ऑल द स्लैकर स्लैकर इज रिटर्न इन बोल्ड तो फ्रैंक टॉपलो के बारे में क्या सोचता है कि वो स्लैकर है कमजोर बच्चा है पिछड़ा उसे हमेशा शंका है कि वो पास होगा कि नहीं होगा हेडमास्टर विल गेट हिम रिमूव और नॉट वैसे तो फ्रैंक को टॉपलो के बारे में कुछ मालूम नहीं था उसे बस इतना मालूम था कि कल वो नहीं आया था इसलिए आज उसको रिजल्ट मिल रहा है और हो सकता है कमजोर हो और ये फ्रैंक उसको ना दुखी थोड़ा सा मुंह उतार के कहते हैं कि हाँ हमारे में तो सब ऐसे कमजोर लोग आते हैं सैडली अफसोस के साथ कहते हैं टॉपलो कहता है प्रोटेस्टिंगली प्रोटेस्टिंगली मतलब जिस तरीके से फ्रैंक ने कहा हाँ हाँ हमारे यहाँ तो सब ऐसे कमजोर लोग आते हैं तो टॉपलो प्रोटेस्ट करते हुए कहता है प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना एक तरीके से विरोधी तरीके से कहता ना ना सर, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस मैं साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हूं आपको जो लग रहा है कि हम स्लैकर्स हैं आपने कह दिया स्लैकर्स तो उसने जवाब नहीं दिया उनको लेकिन अपने तरीके से उसने प्रोटेस्ट कर दिया टू प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना जिस तरीके से फ्रैंक ने कहा कि हाँ तुम साइंस लोगे और ने कहा ऑफकोर्स सर बिल्कुल सर वही लूंगा निश्चित रूप से तो फ्रैंक ने उसको कह दिया हाँ हम लोग को सब ऐसे स्लैकर्स आते हैं टॉपलर कहता है नो नो सर आई एम नॉट ए स्लैकर आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस मुझे बहुत रुचि है एक्सट्रीमली मतलब अति रुचि फ्रैंक आर यू वास्तव में वास्तव में तुमको साइंस में रुचि है आई एम नॉट इंटरेस्टेड तुम्हें रुचि है मुझे नहीं है आई एम नॉट नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच मुझे तो रुचि नहीं है साइंस में और uh, कम से कम उस साइंस में जो मुझे पढ़ाना है नॉट एट लीस्ट एट लीस्ट मतलब कम से कम लीस्ट मैने कम मोस्ट का उल्टा लीस्ट लीस्ट नंबर ऑफ पीपल केम टू माई पार्टी न्यूनतम लोग मेरी पार्टी में आए लीस्ट मतलब न्यूनतम कम से कम आई एम नॉट नॉट लीस्ट मैं तो हूं नहीं साइंस में इंटरेस्टेड कम से कम मैं तो नहीं हूं नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच कम से कम वो विज्ञान में नहीं जो मुझे पढ़ाना पड़ता ऐसा कहके जो टीचर हैं फ्रैंक साइंस के टीचर वो साइंस विषय से अपनी नफरत को जाहिर कर रहे हैं। और एक और टॉपलो बेचारा साइंस के लिए परेशान हो रहा है लेने के लिए टॉपलो कहते हैं तुरंत वेल सर एनी वे कुछ भी हो जाए एनी वे मतलब सर कुछ भी हो जाए जो भी हो ये शब्दों को देखिए ये कन्वर्सेशनल इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में जो शब्द रोजमर्रा जिंदगी में हमको बोलने होते हैं उन शब्दों का उपयोग इस प्ले में बहुत अच्छा है फ्रॉम दिस प्ले यू कैन लर्न लॉर्ड ऑफ दोच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जैसे हम लोग भी हिंदी में बोलते हैं बहुत सी चीजें लेकिन लिखते समय उसको नहीं लिखा जाता बोलने की हिंदी और लिखने की हिंदी अलग होती है शैली अलग होती है हिंदी का अलग होने का मेरा मतलब है शैली अलग होना स्टाइल वही बात यहां भी अंग्रेजी में तो टॉपलो कहता वेल एनी ठीक है सर आपने जो कहा ठीक है जैसा भी है इट्स ए गुड डील लेकिन फिर भी मेरे लिए ठीक है मोर एक्साइटिंग देन दिस मक ये उस एक्साइटिंग मतलब ज्यादा रोमांचित कर देने वाला ज्यादा उत्साहित कर देने वाला ये मेरे लिए ज्यादा रोमांचकारी है ज्यादा इंटरेस्टिंग है ज्यादा मेरे लिए इसके लिए ज्यादा स्नेह है मोर एक्साइटिंग देन दिस मक और ऐसा कहते हुए वो एक किताब की ओर इशारा करता है बोलता इस किताब से तो अच्छा है वो क्या साइंस लेना वो किताब कौन सी है वॉट इज दिस मक फ्रेंक पूछता है क्या मक क्या बोल रहा कौन सा है मक तो टापलो कहता है द दगमेनन ये जो किताब है एस्टिलस अगमेन जो ग्रीक में है इससे तो ज्यादा अच्छा है साइंस लेना ये ग्रीक लैटिन वगैरह तो पल्ले नहीं पड़ता तो फ्रैंक कहता है कि एंड यू कंसिडर्ड व्यू दैट दिस बुक इज ए मक ये जो इतनी क्लासिकल बुक है इतनी दुनिया में प्रसिद्ध किताब है उसको तो मक कहते हो टू कंसिडर मतलब मानना आई कंसिडर यू द बेस्ट बॉय इन द क्लास आई कंसिडर यू एज माई एल्डर ब्रदर यू मस्ट कंसिडर ऑल योर नेबर्स एज योर फ्रेंड मानना टू कंसिडर एंड यू तो फ्रेंक कहता है एंड यू कंसिडर यूज दैट दिस पर्टिकुलर बुक इज मक और तुम्हारा कहना है कि ये जो किताब है ये वेस्ट है बेकार है कचरा है मक मैंने कचरा तुमको एक कचरा लगती है किताब क्योंकि जिस तरीके से टॉपलो ने कहा था सर कम चकम, आ, तो से कम साइंस तो इससे तो बेहतर है ये तो मक है तो उसमें फ्रैंक थोड़े उत्तेजित हो थो जाते हैं और वो कहते हैं क्या इसको इस किताब को तुम तो मक कह रहे हो तो टपलो कहता है वेल नो सर थोड़ा सा घबरा जाता नहीं नहीं सर मेरा मतलब ये नहीं है आई डोंट थिंक द प्ले इज अ मक मैं मैं नहीं सोचता कि जो इसके अंदर जो नाटक लिखा हुआ है ये कोई कचरा है म, मेरी नजर में मेरा मतलब ये नहीं कि ये है कि यह कोई कचरा है एग्जैक्टली Uh, म, मतलब मैं कचरा नहीं कहना चाहता आई सपोज इन ए वे इट्स रादर ए गुड प्लॉट मैं मेरा सोचना है आई सपोज मैं सोचता हूं आई सपोज मतलब मैं सोचता हूं मैं सोचता हूं सर कि ये आ, एक तरीके से इन ए वे एक तरीके से आई सपोज इन ए वे इट इज गुड मेरी ट्रेन छूट गई ट्रेन छूट गई अब मैं अपने को संतोष करना चाहता हूँ तो क्या मैं बोलूंगा अच्छा हुआ ट्रेन छूट गई कुछ बात होगी ये अच्छे के लिए ही हुआ होगा तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आई सपोज इन ए वे इट इज गुड दैट आई मिस द ट्रेन पता नहीं एक तरीके से अच्छा ही हुआ इसको कैसे बोला है आई सपोज आई डोंट थिंक द इज मक फ्रैंक कहते हैं कि अब क्या तुम इस किताब को थर्ड क्लास समझते हो कचरा समझते हो तो थोड़ा सा टापलो चौंक जाता है नहीं नहीं सर मेरा मतलब ये नहीं कि किताब खराब है मक है मेरा मतलब है इसके अंदर का जो प्लॉट है जो कहानी लिखी गई है जो नाटक लिखा गया वो तो बड़ा अच्छा है आई सपोज ए निवे रादर इट्स ए गुड प्लॉट रादर बल्कि मतलब बल्कि रादर मतलब बल्कि बल्कि आई वुड रादर स्लीप देन गो जाने के बदले तो मैं सोना पसंद करूंगा बल्कि सोना पसंद करूंगा मैं जाना नहीं पसंद करूंगा बल्कि सोना पसंद करूंगा तो वो बल्कि रादर योर हैंड राइटिंग इज रदर पुअर यहां इसका दूसरा मीनिंग हो गया कुछ कुछ तुम्हारे जो हैंडराइटिंग है वो रादर पुअर है मतलब थोड़ी कमजोर है यार तो रादर का अर्थ भी देखिए ये रादर ये शब्द जो है ये भी बहुत उपयोग होता है कम्युनिकेशन में सपोज शब्द जो है बहुत उपयोग होता है कंसिडर का उपयोग बहुत होता है तो इस प्ले में आपको बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको रोज बोलने के रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं तो अ गुड प्लॉट कहानी तो अच्छी है इसके अंदर और प्लॉट का अर्थ क्या हुआ प्लॉट का मतलब होता है एक जमीन जमीन का हिस्सा जमीन का टुकड़ा और एक प्लॉट होता है कहानी की भूमिका उस फिल्म का प्लॉट बड़ा अच्छा है शोले फिल्म का प्लॉट बड़ा अच्छा है इसका मतलब क्या हुआ शोले फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी अच्छी है शोले फिल्म के की जो भूमिका है वो बड़ी अच्छी है कि उसमें दो लोग रहेंगे एक हीरो एक ये, और उसके बाद कहानी से और फिर उसमें सिक्के वाली बात होती है तो दैट प्लॉट इज वेरी गुड रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट उसमें प्लॉट बड़ा अच्छा है सर उसमें वास्तव में रियली really मतलब वास्तव में आ, एक पत्नी जो है वो अपने हस्बैंड को मार डालती है और और पता नहीं क्या क्या उसमें हो बड़ा अच्छा ऐसा सब कह के टॉपलो जो क्या है थोड़ा सा स्थिति को संभालना चाह रहा है क्योंकि उसने ऐसा कुछ कह दिया उस कृष्त के बारे में मक वर्ड बोल के कि फ्रैंक जो थे वो थोड़े से नाराज़ दिखे थोड़े से चौंकते हुए दिखे तो टॉप उस स्थिति को टॉपलो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा और संभालने की कोशिश में क्या कहता है नहीं नहीं सर मेरा मतलब यह है कि वो Uh, कहानी का जो प्लॉट है बड़ा अच्छा है जिसमें uh, एक तरीके से बड़ा अच्छा है उसमें एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड को मर्डर करती है एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट मतलब और ना जाने क्या क्या और बहुत कुछ एंड ऑल दैट मतलब और बहुत कुछ आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस मेरा केवल कहने का मतलब ये था सर कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है इट इज़ टॉट टू अस द वे इट इज़ टॉट टू अस मतलब जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है मेरा मतलब केवल वही था सर इसका मैंने क्या हुआ दोष किस पर दे दिया उसने पढ़ाने वालों पर अपने तरीके से उसने टीचर पे दोष दे दिया कि जिस तरीके से लोग पढ़ाते हैं ना सर उसके कारण ये किताब ये नाटक पसंद नहीं आता और टीचर पे दोष दे दिया है डायरेक्ट नहीं बोला

ऐसा कह के वो कहना चाह रहा है टॉपलो कि एक किताब बड़ी कठिन है और कठिन इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमें पढ़ाई गई है और फिर समझ जाता है अपने को संभालता है और उसको डर लगता है कि पढ़ाई गई पढ़ाई जाती है का मतलब टीचर पे दोष तो फिर बोलता है मेरा मतलब सर उसमें जो कठिन शब्द है ना ग्रीक भाषा जो है ना और कहीं एक जगह गलत समझ गए तो पूरा गलत हो जाता है मेरा मतलब ये है सर